आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊँगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। साई केतन राव, थैंक यू। काफी कुछ सीख कर निकला हूँ, डिसीजंस कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए ये भी मैं सीख कर गया हूँ। जो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फिलहाल बाहर भी मैं और लवकेश अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, आपको पहचाना ही नहीं। शायद वो भूल गया, कोई बात नहीं। नो मोर कमेंट्स ऑन पर्सनल। एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी मिलना चाहोगे क्या? यार वो सब वो सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है। मैंने ऐसी कोई बहुत पिछली गाली नहीं दी, और जो भी हुआ था जो सुनी। सना ने बताया कि बात क्या, आपने यही गाली दी थी, सना ने फोन किया क्या, आपने बाकी गाली मेरे को सामने से दी थी। यार किसी का कंफर्मेशन से आपके जा रहा हूँ जाके सना की चिट्ठी वाले क्या बोले। ऑल द बेस्ट टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस। साई आप अपने जर्नी में क्या क्या सीखा कुछ अगर आप बता सके, मतलब मैं एक सीख बताता आप सबको कि कभी अपने फायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ो। पर बिग बॉस के घर में मेनली यही होता है, और लोग यही स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। अगर आप ये मोटिवेट करोगे तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी दोस्ती तोड़ो अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी जिंदगी में ये रोल अप्लाई करता हूं। आपको लगता है फिजिकल फाइट भी हुई है, और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज वेरी सेफ, कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सना के लिए क्या कहना है? सना मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तुम एक ही सवाल पूछो बार-बार। सना सुल्तान या सना सुल्तान? सना सुल्तान के बारे में जी, वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरी बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुन रही हूँ। आगे क्या प्लानिंग है, क्या करने का इरादा है आगे, फ्यूचर टेलीविजन शो? आप बहुत कुछ लाइंड अप एंड ऑलरेडी मैंने साइन।